हेलो स्टूडेंट, क्लास एट इसी दिन साइंस इसी दिन आपका स्वागत करता हूँ। फर्स्ट लेसन क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इससे पहले वाले वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ मैं। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स की बात करते हैं। प्रिपरेशन मतलब होता है प्रिपेयर होना। प्रिपेयर कैसे होता है, एग्जाम जब एग्जाम होते हैं उससे पहले जो स्टूडेंट होता है उसकी तैयारी करता है उसकी एग्जाम की, वो प्रिपरेशन कहलाती है। उसके बाद फिर एग्जाम देता है। उसी टाइम से अगर एग्रीकल्चर प्रोसेस होती है उससे पहले क्या करता है, सॉइल का क्या करना है, प्रिपेयर करना है सॉइल को, उसके योग्य बनाना है। इसके लिए एग्रीकल्चर के उसके लिए अपने प्रोसेस जो अपनाते हैं, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड रोटिंग द सॉइल इज कॉल्ड द प्लगिंग। प्लगिंग मतलब होता है कि टर्निंग सॉइल को क्या करना, टर्न करना, रोजनी जो फॉस मटेरियल होते हैं सॉइल्स के उसको रूज करना, ये क्या कहलाती है, प्लगिंग क्लास की है। ठीक है, ये अपना मेन जो था प्रिपरेशन सॉइल्स में प्लगिंग हो गया है। अब देखो प्लगिंग में क्या करने के लिए हम क्या करना पड़ता है, सॉइल इज द नंबर ऑफ फॉलोइंग वेव्स। अब क्या हमको फॉलो वेव्स करने पड़ते हैं उसके लिए हम बात करते हैं। पहले क्या करेंगे भैया, जो लूजनिंग हो गया सॉइल को कहती है, लूजनिंग हो गई टर्निंग होगी सॉइल, उसकी क्या क्वालिटीज होती है उसका लिखते हैं। इट कैन द होल्ड मोर वाटर एंड एयर। इससे क्या होता है कि भाई ना जो सॉइल होती है उसके अंदर क्या होता है कि बहुत थोड़ा लार्जेस्ट हो जाते हैं। इससे क्या होता है उसके अंदर मोर होल्ड मतलब मोर वाटर एंड एयर, इजिली क्या हो जाती है एयर और वाटर उसमें क्या हो जाएगी ज्यादा मात्रा में, हाई परसेंटेज में क्या होंगे स्टोर होने लगते हैं। द ग्रो इन अर्थ फॉर्म एंड माइक्रोब्स विच मेक द सॉइल इज इट इज ऑल्सो इजी टू मिक्स द फर्टिलाइजर मैन्यूअर इन द लूज सॉइल। जैसे ये जो प्रोसेस होती है प्लगिंग की जो प्रोसेस हुई है उसके बाद जो सॉइल्स होती है वो किससे प्रचुर मात्रा में जाती है, उसमें कौन कौन ग्रोथ करने का रहता है, अर्थ फॉर्म और माइक्रोब्स, जो इम्पोर्टेंट किसके लिए है, सॉइल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, अर्थ फॉर्म जो होता है स्पेशली ये करते हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जो सॉइल्स में होते हैं उनको खाते हैं। खाने के बाद उनकी बॉडी के अंदर उनके ऐसा रिएक्शन होती है जो सॉइल्स को क्या करते हैं, जो वेस्ट निकलता है इसका अर्थ फॉर्म का जो वेस्ट निकलता है वो इम्पोर्टेंट एक तो मेन्यूर का काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल्स का काम करता है। और जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो अधिक परसेंटेज में क्या होते हैं सॉइल्स में क्या होते हैं ग्रोथ करते हैं। तो उस ग्रोथ करने के बाद सॉइल कैसी हो जाती है, न्यूट्रिएंट हो जाती है, बहुत ही उपजाऊ किस्म की हो जाती है, सारे न्यूट्रिशंस होते हैं पोषक तत्व उसमें मौजूद हो जाते हैं। इट इज आल्सो इजी टू मिक्स द फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर इन द लूज सॉइल्स। उसमें इजी तरीके से अपन क्या मिला देते हैं, फर्टिलाइजर और क्या मिला देते हैं, मैन्यूर मिला देते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर उर्वरक और मैन्यूर होता है जो खाद कहलाते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो फील्ड में क्या बना देते हैं, इजी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के रूप में बना देते हैं, क्या खाद बना देते हैं। और फर्टिलाइजर होता है ये इनऑर्गेनिक होता है, ये स्पेशली प्रैक्टिस वगैरह में होता है। ओके, इसकी हम बात करेंगे जब ये क्वेश्चन आएगा तब इसकी बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है ये फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद थर्ड है इन एरिया द सॉइल्स द रूट्स कैन कम स्प्रिंग इजीली। मतलब जो सॉइल होती है वो एयर से मतलब हवा से भरी हुई होती है, इससे क्रॉप्स की जो रूट्स होती हैं वो इजीली क्या कर लेती है, ब्रिंग कर लेती है, उसको आसानी से ले लेती है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया अपना। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल इन द ग्राउंड फ्रॉम द लोअर लेवल ऑफ सॉइल द प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट। इफ इजीली लोअर लेवल में क्या होता है, न्यूट्रिशन की मात्रा प्रेजेंट होती है और इजीली प्लांट क्या करता है उस चीज को ले लेता है। इट हेल्प इज रिमूविंग द वीड्स बाय द अपकमिंग वेव्स। इजीली रूप से वीडिंग मतलब होता है खरपतवार। क्या होता है खरपतवार, जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो यूजलेस होते हैं, मान लें कि एनिमल्स के काम नहीं आ रहे हैं और वुमेन्स के काम नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और जो क्रॉप्स जो होती हैं उसमें क्या करती है, उसको डैमेज करने का काम करती है। ठीक है, उसके जो भी न्यूट्रिशंस वगैरह होते हैं इसके और जो क्रॉप्स के न्यूट्रिशंस वगैरह जो क्रॉप्स को चाहिए न्यूट्रिशंस वगैरह वो सब कौन ले लेते हैं, वीड्स ले लेते हैं। वो फास्टली क्या होते हैं ग्रोथ करने लगते हैं और जो क्रॉप्स होती है उसकी ग्रोथ को क्या कर देते हैं, वो रोक देते हैं। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो यूजलेस होते हैं वो वीड्स कहलाते हैं। ठीक है, उनको पटकने नहीं देना, सिंपल सी चीज यही है। ठीक है, अब बात करते हैं सॉर्टिंग ऑफ सीड्स। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स हो गया, क्या क्या अपन को करना, जो फॉलो रूल फॉलो करने पड़ते हैं वो ऐसे सब लिखी है और ऐसे बता भी दिए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर दो नंबर का क्वेश्चन
दे देगा तो अपनी स्टेप पे लिखनी पड़ेगी, उसके तो 3-4 स्टेप में सफिशियंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। 3-4 पॉइंट होते हैं सफिशियंट होते हैं, तो आप 3-4 पॉइंट इसमें इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सॉल्विंग ऑफ सीट्स की, बात करते हैं क्या करते हैं सॉल्विंग ऑफ सीट्स की, बात करते हैं इन दिस प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीट इन द सॉइल। पुटिंग मतलब ग्रोथ कर जाना, मतलब पुटिंग मतलब जमीन में दबा देना, क्या करना सीट्स को करना जमीन में गाड़ देना है, दबा देना है, क्या कहलाएगा सॉविंग सीट मतलब बोना, इसको सीट्स को बोना ये क्या कहलाता है सॉविंग कहलाता है, ठीक है ना। फ्रॉम द सॉविंग टूल व्हेन हेल्दी सीट्स आर सिलेक्टेड, हमेशा हमेशा क्या किया जाता है जो सीट्स जो होते हैं वो गुड क्वालिटी के लिए जाते हैं, हेल्दी सीट्स लिए जाते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है वो मोर होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए जो सीट्स होते हैं वो गुड क्वालिटी के ना चयन किए सिलेक्ट किए जाते हैं। अब गुड क्वालिटी के सिलेक्ट कैसे करें, एक इजी मेथड में अगर बात की जाए तो कैसे की जाए हेल्दी सीट्स को सिलेक्ट कैसे किया जाए। सिंपल फार्मर जो होते हैं एक वाटर लेते हैं, बीकर लेते हैं या कुछ भी ऐसा पात्र भी या कोई भी है ना इंस्ट्रूमेंट ऐसा लेते हैं, इसमें ऊपर डाल सके वाटर डाल देते हैं और जो सीट्स होते हैं उसको कहाँ डाल देते हैं उस वाटर में डाल देते हैं, ओके। तो कुछ टाइम बाद जो हेल्दी सीट्स होते हैं वो अपने आप कहाँ चले जाते हैं, इससे जो जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट्स किया है उसके लास्ट जो नीचे साइड की जो पैनल होती है जिसको अपन लास्ट सरफेस जो होती है वहाँ जाकर क्या हो जाते हैं स्टोर हो जाते हैं। और जो अनहेल्दी सीट्स होते हैं वो क्या होते हैं ऊपर की तरफ मतलब जो वाटर लेवल का जो अपर पार्ट है वहाँ पर फ्लोट करते रहते हैं, ओके। ऐसे इस टाइप से अपन हेल्दी और अनहेल्दी सीट्स को क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अब क्या बात करूँगा, तो गुड क्वालिटी सीट्स इज मस्ट ए गुड क्रॉप्स। अब क्वालिटी अच्छी सीट्स के लिए हेल्दी सीट्स के लिए अपन ने तो क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी क्या होगा वो अच्छा होगा, क्वांटिटी में होगा, क्वालिटी में होगा, ओके। उसके बाद अपन बात करते हैं क्या क्या चीज़ें अपन देते हैं, ठीक है ना। एक तो हेल्दी सीड्स को अपन को उसका हेल्थ देखना, ठीक है, उसकी क्वालिटी देखनी है, गुड क्वालिटी का है कि नहीं है। गुड क्वालिटी कैसे, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल बात करता हूँ, मैं ऐसी सीड्स का लेता है, ऐसी स्पीसीज वाले सीड्स की मैं सीड्स लेता हूँ जो मैंने सॉइल के अंदर ग्रोथ कर दिया, जो उसका एक प्लांट है, एक प्लांट से उसमें मान लीजिए मुझे 100 सीड्स प्राप्त हुए। तो अगर उसकी सीड्स लेता हूँ मैं, अदर स्पीसीज की सीड्स लेता हूँ उसको मैं ग्रो करता हूँ, उसके उसमें मेरे को 500 सीड्स प्राप्त होते हैं। तो बेस्ट क्वालिटी का कम फील्ड के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन किसमें होगा, गुड क्वालिटी की सीड्स में होगा, नहीं होगा पैदावार भी ज़्यादा होगी नहीं होगी। उसी प्रकार से थर्ड जो चीज़ है ड्राइड प्रॉपरली, बीज हमेशा क्या होनी चाहिए सीड्स में क्या होता है सूखे होने चाहिए, लगभग आर्द्रता नहीं होनी चाहिए उनमें, ठीक है। मैं इनका ग्रोथ का फंगी और कोई फंगी होगी उसमें कोई भी बैक्टीरिया वगैरह फंगी वगैरह सीड्स में नहीं जमा होनी चाहिए, ओके। इतना तो मैंने आपको बताया सॉविंग सीड्स में सीड्स का चयन कैसे किया जाए और फॉर्ड क्वालिटी जो होती है सीड्स की जो होती है फ्री ऑफ एनी इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन वगैरह से उसको ग्रसित नहीं होना चाहिए कोई भी क्या सीड्स, ओके। अब बात करते हैं फिफ्थ की, बात करता है स्टोर इन द स्ट्रॉन्ग बैग्स। जो सीड्स अपन क्या करते हैं स्टोर करते हैं, स्टोर करते हैं वो स्ट्रॉन्ग बैग्स के अंदर स्टोर करते हैं, ओके। अब बात करते हैं सिक्स की, बात करते हैं फ्री फ्रॉम द इंसेक्ट एंड पेस्ट, मतलब कीड़े मकोड़ा वगैरह से सीड्स ग्रसित नहीं होनी चाहिए, उसमें दूर होने चाहिए। ये आपका क्या हो गया ऑप्शन हो गया सॉविंग ऑफ सीड्स वगैरह ये और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स वगैरह हो गया। अब आपको मैं क्वेश्चन इसमें देता हूँ कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स के फॉर रूल्स है ना वो आप लिखिए, ठीक है ना, राइट कीजिए। सॉविंग ऑफ सीड्स के भी क्या करना है, गुड क्वालिटी सीड्स के क्या करना है 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ये आपका क्या हो गया होमवर्क हो गया, ओके।